press the bell icon for all the updates. हेलो फ्रेंड्स, तो टेली मसाला की टीम आ गई है दिल्ली हाईवे और मैं यहाँ अकेले नहीं आई हूँ। मेरे साथ है इंडस्ट्री के दो बेहतरीन चेहरे और जिनसे आपको मिलाऊंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बाबी सर शशांक हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। हाय, सबसे पहले तो वेलकम टू टेली मसाला दोनों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। वेल, आज टेली मसाला हमें एक बहुत ही अच्छी जगह में लाए हैं। It's called the Delhi Highway and it looks so grand. I can't wait to eat the khana here. And I have some awesome company. देखिए, जगह तो अच्छी है ही, लेकिन उसके पहले अगर कंपनी इतनी खूबसूरत हो और इतनी चौपी हो, इतनी एनर्जेटिक हो, तो खाने का स्वाद डबल हो जाता है। वाह वाह, सही बोला, सही बोला। That's true. बिना वेट किए हुए अंदर जाते हैं डायरेक्टली। Yeah, I can't wait. Bye bye. वेल, इस जगह को देख के ही मुझे लगता है कि सब कुछ इतना ग्रैंड होने वाला है। तो पहले तो वी गोइंग टू स्टार्ट विद सम चाट, मे बी सम दही भल्ला, पानी पूरी शॉट्स। और मैंने सुना है यहाँ का दाल मखनी, यहाँ की टिक्की, सब कुछ फेमस है। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड। नहीं, आज कोई डाइट वाइट नहीं होगी। आज मैं बाप्स के साथ हूँ तो मैं ना बोलने के पैरामीटर पे ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो आई विल ईट, प्लीज बाप्स के साथ। और तो हम लोग बहुत सारा मीठा खाएंगे, बहुत सारी टिक्की खाएंगे, दाल मखनी ऑर्डर करेंगे क्योंकि मुझे पता लगा दाल मखनी बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है यहाँ की। तो साथ में थोड़ा जीरा राइस वगैरह। ओह, आई लव। अरे अब जल्दी मंगा लो बस, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, भूख लग रही है। सो हमने ऑर्डर किया है फ्रेश लाइम और विदाउट सोडा, बिकॉज ऑफ सोडा। यस, ही विल गिव यू सम टिप्स। नहीं नहीं, टिप्स अभी ज्ञान वाली कोई बात नहीं करनी है। हम लोग को फ्रेश लाइम प्लेन वाटर में पसंद है, बट चिल चाहिए थोड़ा सा, तो वी हैव ऑर्डर सम। या, एंड इट्स रियली यम्मी, गुड, क्वाइट रिफ्रेशिंग। का नाम ही बहुत लंबा है, दही भल्ला पापड़ी चाट। क्या बात है, ये हमने तो बनाई नहीं। हमें पता नहीं इसके अंदर क्या है, लेकिन जो भी दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, और जितना शायद दिखने में खूबसूरत है, शायद खाने में उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होगा। आप बताओ चखके कैसा क्या है। चलो हम दोनों चखते हैं ना। Very nice. The dahi is so good. Excellent, perfect taste. ये बताइए, हर खाना जो कह रहे हैं, हर डिश में आप खाते हैं कोई भी अच्छा खाना, आपको किसी याद है, कुछ याद दिलाता है, जैसे ये आप बोलोगे ये राजेश खन्ना का ही गाना। इलाही कब आए। नहीं, मेरे को राजेश खन्ना नहीं, उनकी याद नहीं आई। मेरे को राजेश खन्ना की नहीं, नहीं, मेरे सपनों की रानी। नहीं, मुझे याद आई वाकई। मुझे दिल्ली हाईवे पे आके पता लगा कि बॉम्बे में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको दिल्ली का स्वाद मिल सकता है। और खासकर जो दिल्ली का स्वाद की मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना, शायद ये नॉर्थ इंडियन ज़्यादा समझ पाएंगे। मसालों की बात जहाँ चल रही है, जहाँ पे खाने में माल, जिसको बोलते हैं ना, माल डाल के खाना बनाए एकदम, तो वो चीज़ है एकदम। हाँ जी, हाँ जी, कैसा लगा आपको? अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने इसमें अदरक का स्वाद भी लिया, इसमें जिंजर भी है। इट्स गोइंग वेरी नाइस टिंजी थिंग इन योर थ्रोट, इट्स नाइस, इट्स गुड। आई थिंक शशांक को अपना कुकिंग शो स्टार्ट करना चाहिए। आपको भी नहीं? मेरे को तो कुकिंग मेरी हॉबी है। वाह, कभी खाना नहीं खाया यार। नहीं, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, एक्टिंग इज माय पैशन, बट कुकिंग इज माय हॉबी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट स्ट्रेस बस्टर, आई गेस। ये तो मुझे भी पहली बार पता चला है इसके बारे में। आई लव टू एक्सपेरिमेंट। तो हम कब खाना खा रहे? जल्दी यार, इंशाल्लाह कभी भी। क्या बना रहे हो आप? मैं हर चीज बना लेता हूं। चलो, ये तो ऐसा नहीं कि लज़ानिया बन रहा है, पास्ता बन रहा है, वो नहीं, मतलब इंडियन फूड आई कैन मेक। इट्स ओके, खाना ना, स्वादिष्ट खाना, बस
ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से वो डिस्क्राइब कर रहे खाना, उनको सारा टेस्ट पता है. आई न्यू इट, ही लव कुकिंग, वो दिख ही रहा है. ये मुझे पहली बार पता चला. तो इसमें क्या क्या है हमारे पास? दिस इज नरम दिल कबाब. हमारी तरह नरम दिल. फाइनली मेन कोर्स आ गया है. वेज कढ़ाई है, वेज कढ़ाई है, पनीर है. इंग्लिश वेजिटेबल बनाते हैं, रेड ग्रेवी बनाते हैं. दिस लुक्स गुड. एंड वी हैव स्पेशल खड़ा मसाला दैट वी मेक इन हाउस. खड़ा मसाला है इसका. अच्छा, तो दोनों से ही जानना चाहेंगे, खाना पीना तो चल ही रहा है, लेकिन क्या कहेंगे, किस तरह से शोबीज चल रहा है आपका, शोबीज शोबीज कैसा चल रहा है? ओह वेल, वो तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है. टच वुड, आई मीन जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा हो गया. और मेरे दोस्त वो भी आए थे मेरी शो. मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया, बहुत. इट वाज ग्रेट फन. शशांक और अदा आए थे और हमने बहुत मस्ती की. इसने नागिन डांस भी किया और वी हैड अ लॉट ऑफ हार्ट टू हार्ट टॉक्स. द बेस्ट पार्ट इज सब लोग बहुत दिल खोल के आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली जो ऑडियंस को नहीं पता थी. हमने गेम्स खेले एंड देयर वाज सो मच ऑफ कंफर्ट लेवल एंड गुड एनर्जी. तो टच वुड, आई होप ऐसा ही चल रहा है. अच्छा, अगर मैं शो के थीम की बात करूँ तो एज अ होस्ट आप इस शो को हैंडल कर रही थी, तो कितना उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ा? बिकॉज होस्टिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. या यस, एक्चुअली मैं भी जब पहली बार दिव्यांका विवेक आए थे, मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी. बिकॉज इवन इफ दे आर फ्रेंड्स, यू कांट टेक देम फॉर ग्रांटेड. तो ऑब्वियसली हमारी पूरी टीम बैठती है, देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट इज डन. एंड एक USP ये है कि मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, तो बहुत सारी इजी हो जाता है. या लाइक कंफर्ट लेवल इसलिए है. एंड जो भी मुझे भी पूछना है मैं ऑन द स्पॉट पूछ लेती हूँ, बिकॉज आई नो देम ना. तो अगर मेरे मन में कुछ आता है मैं यू नो बोल सकती हूँ. पर ऑफकोर्स यू हैव टू प्रिपेयर, बिकॉज आपको स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है. लाइक मैं क्या करती हूँ, मैं जस्ट जिस्ट पढ़ लेती हूँ, फिर बाकी तो आई हैव जस्ट केप्ट इट वेरी नेचुरल एंड वेरी कॉन्वर्सेशनल. जब आप डेली सोच की बात करूँ तो उसमें कब देख सकते हैं आपको? वेल, अभी तो मेरा पूरा फोकस शोबिज़ विद आबीज़ पे था, बिकॉज इट वॉज माई शो, माई बेबी. सो यू नो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ इट. एंड लेट्स सी, अभी कुछ ही दिन बाकी है न्यू ईयर के लिए, तो अभी तो मैं गोवा में पार्टी करूँगी, फिर देखेंगे 2018 से कोई शो पकड़ूंगी. जैसे इनका फोकस इनके शो पे था, मेरा फोकस मुझे अपने आप पर है. अंडर कंस्ट्रक्शन. एब्सोल्युटली, मुझे अपने आप से फुर्सत नहीं मिल रही. और फिर मैंने डिसाइड किया काम वही करना है जहाँ मेरा दिल लगे. ऐसी जगह जाके जहाँ पे आपका दिल थोड़ा कम लग रहा है, और फॉर द सेक ऑफ कमिंग ऑन टेलीविजन, यू आर कमिंग अप विद एनी रैंडम स्टफ, आई एम नॉट ओके विद दैट. कुछ हो तो डेप्थ वाला ही हो. अच्छा, तो किस तरह का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं या किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं? मैं मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए. ये तो मुझे करना ही नहीं है, ये पता होना बहुत जरूरी है. या बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक्टर्स, हमें भी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है. एब्सोल्युटली, हम लोग को वी शुड लुक फॉरवर्ड टू गो टू वर्क, यू नो, एवरी डे. मजा आना चाहिए. आप घर से ज़्यादा वक्त सेट पर गुजारते हैं. Yes. तो वो जगह आपको वाकई दिल से बहुत पसंद आनी चाहिए, और आपको वहाँ पे बहुत दिल लगना चाहिए, मतलब मज़ा आना चाहिए वहाँ पर सेट पर रहने पे. वो फीलिंग आपको आनी चाहिए, एक पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए. तो अच्छा, कोई कॉन्क्रीट सब्जेक्ट मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे. वारी कोई बढ़ के. हाँ जी, नहीं नहीं, ये सैड सॉन्ग नहीं है, ये राजेश खन्ना सुपरस्टार का सॉन्ग है, प्लस किशोर कुमार का सॉन्ग है. बहुत ही अच्छा गाना है और मुझे हिंदी गाने बहुत पसंद है. लेकिन हम बिल्कुल ना खुश नहीं हैं, बहुत खुश हैं. हमने इतना अच्छा खाना खाया, थैंक यू दिल्ली हाईवे. एंड इसका पार्टिंग नोट गाजर के हलवे से किया. प्लीज हैव सम. वाओ, अब आपको हमारे चेहरे की खुशी बता रही होगी कि हमने बहुत एंजॉय किया और पेट भर के खाना खाया, बहुत अच्छा मीठा खाया. थैंक यू दिल्ली मसाला एंड थैंक यू दिल्ली हाईवे. और दिल्ली मसाला के सारे व्यूअर्स को wishing you a Merry Christmas and a very, very happy New Year.